वेलकम टू माय चैनल चटोरी बाजार। आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना बेसन, बिना झारा, बिना किसी मेहनत के। इसके लिए चाहिए हमें एक पैन और उसके लिए चाहिए हमें एक कप दलिया। गैस ऑन करके हम एक कप दलिये को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए भुन रहा है ना कितने अच्छे से और बिना किसी मेहनत के। आप देखना, आपको इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगेगी और मिनटों में आपके मोतीचूर के लड्डू बन करके एकदम से तैयार हो जाएंगे और खाने में भी कोई बता नहीं पाएगा कि आपने घर में ही बनाए हैं। वो भी दलिये से बस बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है इसको, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना, हल्की सी खुशबू आने लगे बस इतना ही भूनेंगे हम इसको। हमारा दलिया भून करके एकदम से तैयार हो गया है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसे करना है। दलिया भून करके एकदम से तैयार हो गया है। अब हम इसे करते हैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसकी एक अच्छी सी चाशनी बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप चीनी, जिससे हमने एक कप दलिया लिया था उसी से हमने एक कप चीनी ली है, उसको डाल देंगे हम इस वाली कढ़ाई में। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ये देखो, अब इसको ना एकदम से चाशनी नहीं बनानी है हमें, कोई तार नहीं चाहिए, बस इसको ना इतना चलाएंगे कि ये सारी चीनी घुल जाए और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। चीनी घुलने तक इसको अच्छे से चलाएंगे। क्या आपने पहले कभी बनाए हैं इस तरह के लड्डू? अगर बनाए हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना कि आपके कैसे बने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कि आपने कुछ बनाया है क्या मेरी इन वीडियो से। एक पिंच कलर को हमने पानी में मिला लिया है, मैंने लिया है ऑरेंज कलर का फूड कलर। अब इसको हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। अगर आप ये वाला कलर नहीं मिलाना चाहते तो आप चुकंदर का रस भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा चुकंदर को कसिए और उसको किसी कपड़े में डाल के हल्का सा निचोड़ दीजिए तो सारा कलर आ जाएगा, आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन इसका कलर एकदम से मार्केट वाला आएगा बड़ा ही अच्छा सा, इसलिए आप यही वाला कलर यूज़ करिए। इस वाले कलर को डालने से तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मार्केट के ही मोतीचूर के लड्डू रखे हों। ये फ्रेंड्स, ताकि आपका ये दलिया नीचे ना जले, अगर हल्का सा भी लग जाए तो इसमें बड़ी ही गंदी स्मेल आने लगेगी, इसलिए आप इसको लगातार चलाते हुए अपने लड्डू का मिश्रण तैयार कीजिए। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बस इसमें 5 मिनट का टाइम और लगेगा, होने लगा ये काफ़ी गाढ़ा है। ये देखो, फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है और इसको बनाने में मुझे पूरे 7 मिनट का समय लगा है। और देखो, इसका मिश्रण एकदम से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब ये और टाइट हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो इसको दलिया ही कहते हैं, कि आप बताएंगे आपके यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? बहुत स्टेटों में तो इसको लापसी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको सब दलिया ही बोलते हैं।
अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक अलग प्लेट में, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। लड्डू का मिश्रण जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है और ये अब लड्डू के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको जल्दी हो थोड़ी तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। अब हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा के हम इसके लड्डू बांधेंगे। और अगर आपको लड्डू नहीं बांधने तो आप इसे बर्फी की शेप में भी जमा कर उसको अलग अलग पीस में काट सकते हो। ये देखो इसके छोटे छोटे लड्डू कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। बहुत जल्दी बनते हैं फ्रेंड्स और पता भी नहीं चलता कि आपने किस चीज़ से बनाए। आप ज़रूर ट्राई करना। और अब तो वैसे भी इतने फेस्टिवल आ रहे हैं। ये देखो हाथ बीच में रखो। बन रहे हैं ना एकदम शाइनिंग, चमकीले चमकीले से, और कलर भी कितना अच्छा है, एकदम ऑरेंज कलर। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कभी ऐसे बनाए हैं या आपने बनाए हैं तो आपको कैसे लगे। फ्रेंड्स मेरे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन पे लगाएंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो लगा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं आज इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा नारियल, क्योंकि ना ऑरेंज